हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जस्ट अभी रील्स वगैरह बनाना खत्म की हूँ और कंटिन्यू मतलब एक सारी में बनाई 2-3 रील्स, क्योंकि बार बार सारी खोल के फिर रील बनाना मतलब बहुत कंझट लग जाता भी इतनी गर्मी में। तो प्लीज़ आप लोग रील्स को देखना, प्यार देना, शेयर करना और बताना कि ठीक कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि जस्ट बनाना स्टार्ट की। आप लोग ही बोलते हो शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, सब्सक्राइबर गेन होगा, उसी बेस पर मैं बना रही हूँ। तो मुझे एक कमेंट आया है और इसने जो कमेंट किया है उस कमेंट का मैं मुझे जवाब देना बहुत ज़रूरी समझी मैं। एक लड़का है, उसका नाम है हरकेश मीना, और जो उन्होंने कमेंट किया है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। आप लोग उसने कौन से वीडियो में कमेंट किया मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग को पता चल जाएगा। और उन्होंने कमेंट किया है कि औरतों के आगे पीछे घूमे तभी औरतें खुश रहती है, सभी लड़के निर्णय ले कि शादी नहीं करनी, फिर देखते हैं किसको नखरे दिखाएंगे। अच्छा, मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि लड़के अगर शादी करना छोड़ देंगे तो लड़के नखरे नहीं दिखाएगी। तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी भैया जी, कि आपके घर में भी माँ होगी, बहन होगी, चाची होगी, बुआ होगी। आप इस तरीके का जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या सेम आप अपनी माँ और बहन के लिए भी सोचते हैं? हाँ, फिर ये और बताती हूँ, ये औरतें ड्रामा करती है कुछ नहीं, इनको कोई कोई जिम्मेदारी तो नहीं होती है। मतलब जो औरतें होती है वो ड्रामा करती है, औरतों को जिम्मेदारियों का बोध नहीं होता है, बस इनके आगे पीछे घूमो तो ही खुश रहते हैं। औरतें ड्रामा करती है, आपकी आपके जो माँ है वो भी तो औरत ही है ना एक ठो, तो मतलब आपकी मम्मा ड्रामा करती है। और क्या लिखा कि और इनके जिम्मेदारी का बोध नहीं होता। किस तरीके से आप एक औरत के कोख से जन्म लिए हो, एक औरत 9 महीना आपको अपने पेट में रखी है, अपना खून दी है, आपको पैदा किया, आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किए हैं। आप अगर मैरिड है, अनमैरिड है मुझे नहीं पता, आप अगर अनमैरिड है तो आपको अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए, है ना। और आपकी अगर शादी होती है तो आपको अपनी माँ के साथ अपनी बीवी की भी इज्जत करनी चाहिए। औरतें नखरा दिखाती, जिम्मेदारी नहीं होती, सब लड़के मिलके चलो मोर्चा निकालते हैं हम लोग, है ना, कि मतलब शादी नहीं करेंगे लड़कियों से। अरे लड़की मर जाती है क्या शादी करने के लिए? हाँ, अभी बोलूंगी तो इतनी सारी बातें मैं बोल जाऊंगी ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे। आप जैसे लड़के लोग का जो सोच है ना, मेंटलिटी, उसके कारण ना लड़कियाँ ना सर्वाइव कर रही यहाँ पे। आप शायद नए हो कि पुराने, मुझे पता नहीं, चले जाना मेरे यूट्यूब के बहुत सारी वीडियोज है, वहाँ पे चले जाना, आप जाके देख लेना कि मैं कितना टॉर्चर बर्दाश्त की हूँ। मैं प्रेगनेंसी में, 8 मंथ की प्रेगनेंसी में मुझे कितना मारा गया, पीटा गया। तो ठीक है, आप ये बोलोगे कि गलती आपकी रही होगी तभी तो आपको मारे हैं, ये बोलोगे आप, क्योंकि आपकी मेंटलिटी, आपकी सोच इस कमेंट से पता चलता है। ठीक है, तो कम से कम 6-7 महीना पुराना मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने मेरे पति का पूरा सबूत डाला है, जिसमें अपने मुँह से उसने मुझे बोला है कि तुम पुरानी हो गई हो, अब मुझे नई लड़की चाहिए, तुम मेरे लिए जस्ट लाइक ओल्ड क्लॉथ्स हो, मतलब तुम मेरे लिए पुराना कपड़ा हो, अब मुझे नया कपड़ा चाहिए। तो अंजलि में मुझे नया कपड़ा दिखना, मैं क्या करूँ, तुम पुराना कपड़ा हो गए, मैं तुमको छोड़ना चाहता हूँ। और रही बात, दूसरा ये भी है कि तुम जॉब नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। अंजलि को देखो, जॉब करती, पैसा कमाती, सेल्फ डिपेंड है, तुम सेल्फ डिपेंड हो नहीं। तो तुमको छोड़ने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि तुम पुरानी हो गई हो और तुम पैसा नहीं कमाती हो। ये मेरे पति का बोला हुआ वाणी है जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है, वीडियो रिकॉर्ड किया है, ऑडियो रिकॉर्ड किया है। तो मैं वीडियो तो डाल नहीं सकती, तो मैंने उसको ऑडियो रिकॉर्ड डाल दिया है। और मेरे पति ने मुझे ये भी बोला था कि तुम्हारी कोई भी गलती इसमें नहीं है, है ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट मुझे अंजलि से प्यार होगा तो मैं क्या करूँ, और मैं तुमको छोड़ना चाहता हूँ, तुमको डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये मेरे पति का मौका वाणी है। मैंने इस वीडियो को एक बार नहीं, 2-3 बार डाली हूँ सबूत के बेस पे। आप एक काम करना, आप पीछे चले जाना, भैया श्री हरकेश जब का नाम है, फिर जाके प्लीज वीडियो को आप पूरा देख लेना, फिर जाके किसी को जज करना, ठीक है। मेरे वीडियो में आके औरतों को गाली दे रहे हो, शेम ऑन यू। आपकी भी माँ एक औरत है, आपकी बहन भी एक औरत है, आप अगर शादीशुदा, आपकी बीवी भी एक औरत है। कल के डेट को आप अगर शादी करते हो, आपके घर में अगर बेटी होती है तो भी आप अपनी बेटी के लिए यही वर्ड यूज करोगे? हाँ, तमाशा बनाकर रखे हो आप जैसे लड़के लोग, पूरी औरतों को गाली देते रहते हो। जो औरत तुमको पैदा करती है, एक औरत सृष्टिकर्ता होती है, वो वही औरत है जो घर संभालती है, घर की जिम्मेदारियां उठाती है, घर का खाना बनाती है, घर का काम करती है, खुद नहीं खाती, बच्चों को खिलाती, पति को खिलाती है, खुद का नहीं देखती है, बच्चे का पति का देखते रहती है, खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, 2-4 पैसे थोड़ा सा सेविंग करने, अगर सेविंग ना करे ना तो महीने के आखिरी में जो एंड आता है ना, वो पैसे पत्नी के पॉकेट से निकलता है। पति बोल देगा, अरे पैसा नहीं मेरे पास, अभी महीने का एंड है। तो पत्नी क्या करती जानते हो? वो थोड़ा छुप छुपा कर जो पैसा जमा करती है, थोड़ा सा जो अपना सेविंग करती है, उसी से फिर अपना देती है हर चीज़। वो
औरतों को गाली देने के लिए तुम लोग सबसे अव्वल आ जाते हो, आगे आ जाते हो। औरत ये करती है, औरत वो करती है, औरत ने ऐसा किया वैसा किया। एक औरत ना हो ना तो ये सृष्टि का निर्माण भी नहीं हो सकता। और तूने जो ये बात बोला है ना, हम सभी लड़के मिलके अगर निर्णय ले ले तो औरतें कवारी रह जाएंगी, इनसे शादी कौन करेगा। मैं यहाँ पे चुपी हूँ, अगर कुछ बोलूंगी नहीं, मेरा दिमाग बहुत सनका है। तुझे प्रॉब्लम है मेरा वीडियो तुम मत देख, आके यहाँ उल्टा उल्टा कमेंट मत कर। एक तो एक औरत का वीडियो देख रहा है, खुद तेरी माँ एक औरत, तेरे घर में बहन है, तो औरतों को गाली दे रहा है, अब शब्द यूज कर रहा है, नाम भी हरकेश मीना। क्या बताओ, इस तरीके के गंदे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं ना, इनका मेंटलिटी चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिनके लिए औरत एक तुच्छ बराबर है, उनको लगता है कि औरत के आगे पीछे घूमो, वर्ड उसने बहुत गंदा यूज किया, मैं वो यूज नहीं कर सकती, तो इन लोगों को अच्छा लगता है, इन लोग खुश हो जाते हैं। मैं तो जैसे एक मर्द के कारण मैं बाकी मर्दों को खराब नहीं बोल सकती। इस दुनिया में बहुत अच्छे किस्म के इंसान भी है, मर्द भी है, आदमी है, मेल है। जैसे तूने सारे औरतों को बोला है ना, सारे औरतों को, औरतें ऐसी होती है, औरतें वैसी होती है, तो तेरे कारण मैं सारे मर्दों को नहीं बोलूंगी। हाँ बेटा, तू जैसे ही कुछ कुछ लोग हैं इस दुनिया में, है ना, कुछ कुछ ही बोलूंगी। कि पापा जी बच्चे देखिए पावर करो, किचु आए नहीं, तो इसलिए ना यहाँ पे मत आया कर, फालतू का गाली पड़ जाएगा तुझे।